नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 23 अप्रैल गुरुवार सुबह 8 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीकर जिले के नीम का थाना में नया आवास के रतनलाल मीणा हत्याकांड के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हत्या के 4 दिन बाद ही पुलिस ने मर्डर की गुत्थी सुलझा दी है। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश अग्रवाल ने कहा है कि मुख्य आरोपी विकास मीणा सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रतनलाल एवं विकास मीणा के बीच जमीन और मकान को लेकर आपसी विवाद चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी विकास मीणा सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी विकास मीणा के खिलाफ झुंझुनू, सीकर, जयपुर, चूरू के अलग अलग थानों में 21 मामले दर्ज हैं। मुख्य आरोपी विकास मीणा शराब ठेका, लूट व वाहन चोरी के दर्जनों वारदातों में शामिल है। साथ ही आरोपी पर 5,000 का इनाम घोषित था। अलवर जिले में लॉकडाउन में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और लोग अपने घरों में हैं। इसके बावजूद भी चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने सूर्यनगर सामुदायिक भवन के समीप स्थित सांख्यिकी विभाग कार्यालय का चोरों ने ताला तोड़ दिया और कार्यालय के अंदर से 8 कंप्यूटर चोरी कर ले गए। इसके अलावा चोरों ने सूर्यनगर डी ब्लॉक स्थित रामेश्वर दयाल शर्मा के मकान में चोर खिड़की व दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। चोर यहाँ से 2 मोबाइल व शर्ट की जेब से 500 रुपये नकदी चोरी कर ले गए। इसके बाद चोरों ने पास स्थित बाबूलाल शर्मा और अजय शर्मा के सुने मकान को निशाना बनाया। वेटनरी विश्वविद्यालय के संगठक पशु चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर की स्नातक डिग्री को भारतीय पशु चिकित्सा परिषद की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। भारत सरकार ने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग की भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के तहत पशु चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर को VCI की अनुसूची में शामिल किया गया है। वेटनरी काउंसलिंग ऑफ इंडिया की सलाहकार समिति की अभिशंसा के बाद यह नोटिफिकेशन मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया है। वेटनरी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विष्णु शर्मा ने इस निर्णय को एक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे केंद्र व राज्य सरकार से अनुदान और सहायता राशि मिलने का रास्ता प्रशस्त हो गया है। अब इस महाविद्यालय का चहुमुखी विकास संभव हो सकेगा। हनुमानगढ़ के जिला कारागृह परिसर में सिपाही की दीवार के पास लावारिस अवस्था में पैकेज मिला। उसमें अवैध देशी रिवॉल्वर, 3 कारतूस तथा बीड़ी के 18 बंडल थे। सूचना पर जंक्शन पुलिस जेल पहुंची, रिवॉल्वर व कारतूस जब्त कर जेल कर्मियों तथा बंदियों से पूछताछ की। इस संबंध में SI विशु वर्मा ने की रिपोर्ट पर अज्ञात जने के खिलाफ आमर्स एक्ट व कारावास अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। जेल परिसर से पिस्तौल व कारतूस मिलने के मामले की पड़ताल के लिए पुलिस अभ्य कमांड सेंटर से जुड़ी CCTV कैमरों की फुटेज खंगालेगी। जंक्शन पुलिस ने अभ्य कमांड सेंटर को CCTV फुटेज उपलब्ध कराने का पत्र लिखा है। जिला कारागृह के नज़दीक श्रीगंगानगर फाटक पर लगे इन कैमरों में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। इस मामले में कार्यवाहक जेलर सुरेश मीणा सहित 3 जेल कर्मियों को जेल विभाग ने श्रीगंगानगर में लॉकडाउन में आंगनबाड़ी केंद्रों पर जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को पौष्टिक पोषाहार की बजाय गेहूं और दाल बांटने में कई इलाके में गड़बड़ी मिलने पर आखिरकार महिला एवं बाल विकास विभाग ने अब ऑनलाइन सत्यापन के आदेश किए हैं। किसी भी लाभार्थी के मोबाइल पर जाँच अधिकारी कॉल करके यह पता लगा सकेंगे कि पात्रता होते हुए भी गेहूँ और दाल मिली है या नहीं। ऐसे में संबंधित कार्यकर्ता के खिलाफ सरकारी राशन सामग्री खुर्द बुर्द करने का मामला भी दर्ज होगा। करीब एक सप्ताह में पूरे जिले में 1974 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 86,000 से अधिक लाभार्थी बच्चों और महिलाओं को गेहूं व दाल बांटने के लिए कार्यकर्ताओं को ही अधिकृत कर दिया। इनमें से कई कार्यकर्ताओं ने इस राशन सामग्री में कम वजन से बांटी तो कईयों ने खुद ही हड़प कर लिया। कहीं कहीं पर 2 लाभार्थी में से एक को ही गेहूँ देकर टरकाने का मामले में सामने आए हैं। ऐसे में गेहूं और दाल बांटने के नाम पर हो रही इस गड़बड़ी की शिकायतें जयपुर स्थित बाल विकास सेवाएं निदेशालय समेकित तक पहुंची हैं। उदयपुर के झल्लारा गांव के बस स्टैंड पर बने स्पीड ब्रेकर से बाइक के उछलने से पीछे बैठी महिला गिर गई। इससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं। सूचना पर झल्लारा थाने से कांस्टेबल गणेशाराम बिश्नोई, प्रवीण सिंह मौके पर पहुंचे और घायल को झल्लारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार के लिए पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उदयपुर रेफर किया। डॉक्टर स्मित वर्मा ने भी बताया कि हादसे में महिला के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।
once again.